बाइंग हाउस एंड ओवरसीज बाइंग एजेंसीज, इनका काम होता है सप्लायर्स एंड बायर के बीच में मीडिएटर का काम करना। जैसे किसी कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट दूसरे कंट्री को सेल करना है, तो सबसे पहले वो अपना जो एक संपर्क कार्यालय, एक कॉन्टैक्ट ऑफिस, वो दूसरे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोकेशन है, वहाँ जा कर के वो अपना संपर्क ऑफिस एक बनाएगी। उसके बाद में उसका ये काम होता है कि वो ये देखें कि कौन कौन सप्लायर हैं, कौन कौन बायर्स हैं। उनका काम होता है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो अपैरल को प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करना, उनको सप्लायर्स को ढूंढना एंड उनके अलावा जो बायर्स हैं उनके बीच में कांटेक्ट कराना। जैसे हमने इंडिया से कोई बिज़नेस यूएसए में शुरू करना है, तो सबसे पहले जो हमारा एक कांटेक्ट ऑफिस वहाँ बनाया जाएगा, या हम उस किसी बाइंग एजेंसी के थ्रू वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स और बायर्स चाहिए, तो हमें वहाँ पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाइंग ऑफिस के जो काम होते हैं वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लाइसेंस के बारे में, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बिज़नेस के, वो सारे उनकी हेल्प की जाएगी वहाँ के थ्रू। और उनके ये भी राइट्स होते हैं कि जो कंप्लेंट्स हैं, जो नेगेटिविटी, कुछ इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, उसको वो उस पर एक्शन ले सकें। और जो प्रोडक्ट हैं उनको ये परमिशन भी दी जाती है। और इसके अलावा वो लोग ऑर्डर्स भी प्लेस करने का काम करते हैं, और मीडिएटर सप्लायर्स एंड बायर्स के बीच की एक कड़ी होते हैं बायर एजेंसीज। बाइंग हाउसेज एंड ओवरसीज बाइंग एजेंसीज मीडिएटर होते हैं सप्लायर्स एंड बायर्स के बीच में।